भाई अवेंजर्स बहुत ही ज्यादा परेशान थे और एक साथ से उनका कॉल कट गया। पता नहीं क्या कह रहे थे मुझसे, मैं घबरा गया इसलिए सीधा यहाँ पर आ गया सिंचन पेंचन को सोता हुआ छोड़ते हुए। एक मिनट गाइस, ऑल फादर गॉड क्या कर रहा है अवेंजर्स के पास? अरे हम बर्बाद हो गए, फ्रैंकलिन हमें बचा ले, हल्क को बचा ले फ्रैंकलिन। अब मैं क्या करूंगा? एक मिनट गाइस, ये क्या, सारे के सारे अवेंजर्स रो क्यों रहे? ऐसा क्या हो गया भाइयों, तुम सब के सब परेशान क्यों हो? अरे फ्रैंकलिन ऑल फादर गॉड हमें मार देगा। बिल्कुल यार, मेरे सारे आयरन मैन के सूट इसने छीन लिए, मेरा टाइम स्टोन छीन लिया, हल्का बर्गर और सुपर पावर छीन ली। क्या, एक मिनट गाइस, हमारे सारे अवेंजर्स की सुपर पावर, सुपर एबिलिटी, सॉरी सब कुछ इस ऑल फादर गॉड ने छीन लिया है, लेकिन क्यों? ऑल फादर गॉड प्लीज मुझे बताएगा। तुम सभी के सभी अब मेरे गुलाम हो जिंदगी भर के लिए। क्या, ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। प्लीज फ्रैंकलिन हमें बचा ले, मुझे नहीं पता हमसे चाहता क्या है, समझ नहीं आ रही है। बिल्कुल सही कहा गाइस, अगर आप चाहते हो मैं अवेंजर्स को लिटरली मैं ऑल फादर गॉड से बचाऊं, नो, तो गाइस जल्दी वीडियो लाइक करो। नो, अब मैं तुम्हें खाने जा रहा हूं। नहीं गाइस, मैं अवेंजर्स को बचाना होगा, प्लीज लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। हल्क को खा गया, बचाओ, ये हल्क को खा रहा है। अरे बाप रे गाइस, ये क्या? अरे फ्रैंकलिन प्लीज इससे बातें कर, बिल्कुल इससे पता कर ये क्या चाहता है, जिससे कि तू इसके लिए कर दे तो हमें बचा ले। अरे प्लीज ऑल फादर गॉड, गाइस मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मेरे पास एक आईडिया है ना, इस पर अटैक करता हूं। सबसे पहले गाइस हम यहां पर AK-47 से अटैक करते हैं। ये ले, ये ले, मुझे कुछ नहीं होने वाला। अरे गाइस यार, तुम मान नहीं रहे, क्या करूं मैं? ये क्या, इधर आ फ्रैंकलिन, अगर तू अवेंजर्स को जिंदा देखना चाहता है तो तुझे मेरी कुछ शर्तें कबूल करनी होंगी। क्या क्या क्या, कोई कुछ शर्तें कबूल करनी होंगी, इसका क्या मतलब है? अगर तूने वो मेरी शर्तें पूरी की, मेरा काम वो पूरा कर दिया, तो मैं अवेंजर्स को जिंदा लौटा दूंगा और उनकी सुपर पावर्स और सुपर एबिलिटीज भी दे दूंगा। लेकिन करना क्या है मुझे बताएगा? ये मुझे खुद नहीं पता, मुझे ताकतवर बनना है, बदला लेना है, उसके लिए नीचे जा। एक मिनट गाइस, अगर ऑल फादर को खुद नहीं पता कि असल में वो मुझसे क्या काम करवाना चाहता है, तो मैं कैसे पता करूंगा? वो उसका जवाब तुझे नीचे कर मिल जाएगा। एक मिनट गाइस, इसका मतलब हमें खुद अपने लिए कोई टास्क या काम ढूंढना है जिससे ऑल फादर गॉड को इंप्रेस कर पाए। एक मिनट, ये क्या है? इस पेपर को पढ़, इसमें जरूर तेरे लिए काम लिखा है। ओह माय गॉड, ये क्या लिख रहा है दोस्तों? टास्क टू सेव अवेंजर्स, स्टील टू हेडेड ऑल फादर सन गॉड पावर्स, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। गाइस प्लीज कमेंट में जल्दी से फ्रैंकलिन ओपी लिख दो, बाकी अगर मुझे सारे अवेंजर्स को बचाना है इस ऑल फादर गॉड से, तो मुझे टू हेडेड ऑल फादर सन गॉड की पावर्स चुरानी होगी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा अजीब बात हो गई। खैर कोई नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने प्यारे एवेंजर्स को जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सामने देखिए गाइस, ये तो टू हेडेड ऑल फादर सन गॉड है। एक मिनट, यहाँ पर सिर्फ सन गॉड नहीं है, ये रेडल क्या कर रहा है? मुझे किसी भी हालत में इसकी एलिमेंटल पावर्स चुरानी होंगी। एक मिनट, तू यहाँ पर इसकी पावर्स चुराना चाहता है? अरे मुझे गॉड बनना है, इसकी पावर्स चुरा कर मैं नया गॉड बन जाऊंगा, रेड सन गॉड। ओह नो गाइस, अब तो रेडल भी मेरा कंपटीशन बन गया है। लेकिन इस ऑल फादर सन गॉड की एलिमेंटल पावर्स हैं कहां पर छुपी हुई, हमें ये सबसे पहले फाइंड करना होगा। इसके पहले वाले हेड में जाते हैं। नहीं यार, मुझे खुद नहीं मिली फ्रैंकलिन, तू कहां से ढूंढ रहा? अरे ऐसी बात नहीं है, मैं ढूंढ कर रहूंगा। एक मिनट दोस्तों, ये रही इसके एलिमेंटल पावर्स। ऑलराइट गाइस, ऑल फादर सन गॉड का जो सेकंड वाला हेड है नीचे की साइड, वहां पर उसकी एलिमेंटल पावर्स हैं। आप सभी भूलना मत, हमें जल्दी-जल्दी जाना होगा, जाकर रेडल से पहले उसकी एलिमेंटल पावर चुरानी होगी। रुक जा फ्रैंकलिन, बता उसकी एलिमेंटल पावर्स कहां है, नहीं बताएगा तो जान से मार दूंगा। नहीं प्लीज, मुझे अवेंजर्स को बचाना है, ये मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बता। अच्छा बताता हूं, उसके सेकंड वाले हेड में इसके दो हेड है, कौन सा सेकंड हेड? खैर मैं खुद ही ढूंढ लूंगा अगर हेड में तो। मुंह की कसम, मैं यहां पर एलिमेंटल पावर लेकर रेड सन गॉड बन जाऊंगा। नहीं गाइस, ये रेडल मुसीबत बन के मेरे सामने बार-बार क्यों आ जाता है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों फिलहाल तो मुझे जल्दी जाना है, आपको पीछे ऑल फादर गॉड दिख ही रहा होगा, उसने जिंदगी खराब कर दी मेरे भाई अवेंजर्स की, उनको सबको बचाने के लिए मैं करके रहूंगा। अरे बाप रे, एक मिनट, ये अरे बाप रे गाइस, क्यों ना मैं यहां पर, ये क्या हो रहा है, बचाओ, क्रैश हो रहा है हेलीकॉप्टर, पाव मर जाऊंगा। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर लगता है कोई बेचारा हेलीकॉप्टर में आके गिर गया। एक मिनट, ये क्या, ये तो रेडल का है। अरे जल्दी चलता हूँ। रेडल रुक जा, फ्रैंकलिन मुझसे दूर रह वरना जान से। अरे बाप रे, मैं ही गिर गया नीचे। अरे बाप रे, बच गया। ऑलराइट गाइस, मुझे जल्दी करना होगा, मुझे नीचे वाले हेड पे जाना होगा रेडल से पहले। एक मिनट, ये क्या, यहाँ पर मुझे गर्मी क्यों लगने लगी? नहीं गाइस, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। अरे बाप रे, नहीं, इधर से जाता हूँ, चल गया।
अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अच्छी बात है फ्रैंकलिन, मर जा, मैं बस पहुंच गया एलिमेंटल पावर्स के पास। नहीं अरे बचा ले, अब जल्दी जाता हूँ। ऑल फादर सन गॉड, मुझे अपनी एलिमेंटल पावर्स दे दे। कौन सा वाला हेड होगा? नीचे वाला देखता हूँ। अरे वाह, मुझे एलिमेंटल पावर्स दिख गई है। निकल जाओ यहाँ से वरना जान से मार दूंगा। अरे मार दिया, कैसा बुरा मारा। लगता है गाइस रेडल के एलिमेंटल पावर्स के पास गया था, लेकिन ऑल फादर सन गॉड ने उसको बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। फिलहाल तो गाइस आप प्लीज जल्दी से मेरी मदद करो, जल्दी से कमेंट में हेल्प मी ऑल फादर गॉड लिखे, ऑल फादर गॉड मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, मुझे यहाँ पर फायर प्रूफ बना दो। ठीक है बच्चे, ये ले। एक मिनट गाइस, ऑल फादर गॉड ने, वाह गाइस, मेरी पूरी बॉडी में से लिटरली में ठंडा ठंडा बर्फ जैसा पानी निकल रहा है। अब यहाँ पर सूरज की गर्मी मुझे कुछ नहीं कर पाएगी, क्या बात है। चलो बाप रे, शुक्र है मेरे पास पैराशूट था। गाइस मुझे यहाँ पर स्पाइडरमैन की थोड़ी बहुत पावर्स भी एक्टिवेट करनी पड़ेंगी, उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत गैजेट यूज करना होगा। उम्मीद करता हूँ काम कर जाएगा। तुझे मार दूंगा, निकल जाओ यहाँ से। अरे बाप रे यार सन गॉड, तो गुस्सा हो गया, कह रहे मुझे जल्दी से इसके हेड में जाना होगा और जाकर ऑल फादर गॉड के लिए इसकी एलिमेंटल पावर चलानी होगी। फ्रैंकलिन जल्दी कर, समय निकल रहा है वरना तेरे दोस्तों को खा जाऊंगा। नहीं प्लीज ऑल फादर गॉड, मुझे थोड़ा सा टाइम और दो। मैं बस सन गॉड के मुंह के अंदर चला गया। ओह माय गॉड, फाइनली दोस्तों सामने है ये क्या? नहीं पहले तो गाइस यहाँ पर जाल हुआ नहीं था, ये कहाँ से जाल आ गया दोस्तों? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। शायद ऑल फादर सन गॉड को पता चल गया कि मैं उसकी एलिमेंटल पावर चुराने आया हूँ ऑल फादर गॉड के लिए। फ्रैंकलिन ऐसा मत कर, मैं तुझे अपना दोस्त बना लूंगा, हम साथ में मिलकर ऑल फादर गॉड को कराएंगे। नहीं मैं अवेंजर्स को लेकर रिस्क नहीं ले सकता, मुझे भाई तेरी एलिमेंटल पावर चुरानी होगी। एक मिनट, ये क्या, ये कौन है? मैं हूँ रखवाला अपने बॉस का, निकल जा यहाँ से वरना जान से मार दूंगा। नहीं अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? फ्रैंकलिन बोला था ना मेरी एलिमेंटल पावर कोई नहीं चुरा पाएगा, मैं चुरा कर रहूंगा, मुझे अपने दोस्तों को जो बचाना है। हे हे, तू कुछ नहीं कर पाएगा। अरे बाप रे, कवर तोड़ दी, मर गया कीड़ा। गाइस यही सही टाइम है, इसने गलती से मुझे जाल में फेंक दिया और जाल टूट गया। अब यहाँ पर एलिमेंटल पावर्स, अरे बाप रे ये क्या, अरे नहीं मैं इतना छोटा कैसे हो गया? एक मिनट, कौन छोटा हो गया? मैंने तो बस, ओह माय गॉड अभी समझा, मैंने जैसे ही इसकी एलिमेंटल पावर्स इससे छीनी ये बहुत छोटा हो चुका है। फ्रैंकलिन मेरी पावर वापस कर वरना मैं दुनिया को जला दूंगा। फिलहाल तो तू यहाँ पर बहुत छोटी कंडीशन में, तू कुछ भी नहीं कर सकता मैं जानता हूँ। अरे बाप रे गाइस, ये सन गॉड तो पीछे ही पड़ गया है। ऑल फादर गॉड मुझे बुला लो। बुला लिया मैंने तुझे, वाह गाइस क्या बात है। चलो ऑल फादर गॉड की वजह से बच गया मैं, लेकिन गाइस मुसीबत में भी तो मैं उसकी वजह से ही पड़ा था। खैर कोई नहीं, अब जल्दी से जाता हूँ और जाकर इस एलिमेंटल अंडे को इस ऑल फादर गॉड को देता हूँ। ऑल फादर गॉड जी ये लो अपना अंडा और प्लीज मेरे एवेंजर्स दोस्तों को छोड़ दो। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, अब समय आ गया है ऑल फादर सन गॉड की पावर्स को अब्सॉर्ब करने का। एक मिनट, ये क्या, अंडा तो गायब हो गया। ओह पर देख, एक मिनट क्या देखो, अरे बाप रे अवेंजर्स का क्या हुआ, अवेंजर्स मेरे पास क्यों नहीं आए? तुझे क्या लगा मैं अवेंजर्स को इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? अभी तो शो शुरू हुआ है। एक मिनट गाइस, ये ऑल फादर गॉड टू हेडेड कैसे बन गया? ये तो अभी, अरे समझा, इसने ऑल फादर सन गॉड की पावर्स को अब्सॉर्ब करके अपनी बॉडी को टू हेडेड बना दिया है। लेकिन अवेंजर्स को छोड़ दे, एक और काम करना होगा तभी अवेंजर्स को छोड़ूंगा। अरे प्लीज फ्रैंकलिन हमें वापस कर, मुझे नहीं करना तेरे कोई काम। गाइस ये ऐसे नहीं मानेगा। एक मिनट, ये क्या है, ये एक और टास्क पेपर है, जल्दी से इसको रीड कर और टास्क करके अवेंजर्स को बचा ले। नहीं गाइस, कितना बड़ा चीटर है, इसने मेरे को एक और टास्क पेपर दे दिया, तुझे पता भी मैं मरते मरते बचाऊं। ये ले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कीड़ा अभी बताता हूँ, बहुत बोल रहा है, ऑल फादर गॉड के सामने कोई बोलता नहीं है उसकी बिना मर्जी के। अरे बाप रे, ठीक है ठीक है। दोस्तों ये क्या, मेरा तो बुरा हाल हो गया, अब तो मुझे यहाँ पर टास्क करना ही होगा, अगर मैंने नहीं किया तो ऑल फादर गॉड अवेंजर्स के साथ साथ मुझे भी मार देगा, उसके बाद सिंचन बिंचन को भी। नहीं दोस्तों मैं हार नहीं मानूंगा, ठीक है प्लीज अवेंजर्स को कुछ मत करना। ऑलराइट दोस्तों, अब समय आ चुका है दूसरा टास्क पेपर रीड करने का, आप सभी प्लीज मेरे साथ रहना। एक मिनट, ये क्या लिख रहा है, स्टील थ्री हेडेड ऑल फादर लावा गॉड पावर्स। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है गाइस, अवेंजर्स को बचाने के लिए पहले मैंने टू हेडेड। एक मिनट, ये क्या है, ये तेरा गिफ्ट है। वाह क्या बात है गाइस, चलो आफ्टर ऑल फादर गॉड इतना बुरा भी नहीं है, उसने मुझे यहाँ पर एक टास्क करने पर गिफ्ट दे दिया। बिल्कुल सही कहा बच्चे, जाकर काम पूरा करके आ। बिल्कुल गाइस, ये तो बहुत सही हो गया, तो सरप्राइज हो गया लिटरली में। चलो दोस्तों अब हम थ्री
एडेड ऑल फादर लावा गॉड की एलिमेंटल पावर्स चलाने चलते हैं। अरे बाप रे, ये कितना ज्यादा गर्म है दोस्तों, इसके पास जाने से मुझे लिटरली में पसीने आ रहे हैं, इतनी ज्यादा गर्मी है। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, यहाँ गर्मी फैलाने में मजा आएगा। मुझे गाइस लावा गॉड को कमजोर करने के लिए उसकी एलिमेंटल पावर्स चलानी होंगी, उससे ऑल फादर गॉड भी खुश हो जाएगा और मेरे एवेंजर्स भी बच जाएंगे। गाइस यार ये तो सन गॉड से बहुत पावरफुल लग रहा है, थ्री हेडेड है। अरे गाइस इसकी एलिमेंटल पावर्स ये रही, क्या ही खतरनाक ऑरा निकल रहा है इसकी पावर्स में से। फाइनली मैं तो बड़ी आसानी से इसकी पावर्स को लेने पहुंच गया। इतनी आसानी से नहीं, जो यहाँ आता है वो मरने वालों की दुनिया में जाता है। क्या मरने वाली दुनिया में, ये क्या कह रहा है? नहीं मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। ये क्या, मैं तो लावा गॉड के वर्ल्ड में आ गया, मैं तो बहुत जरा जल रहा हूँ। गाइस प्लीज कमेंट में जल्दी ऑल फादर गॉड ओपी लिखो, प्लीज हेल्प मी, मुझे यहाँ पर सर्वाइव करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन तो कर सकता है, एक मिनट अब मैं कहाँ पर जा रहा हूँ? गाइस ये तो दूसरी दुनिया कोई और, अरे कोई है, कोई प्लीज है, अब कौन सी दुनिया है ये? सब मेरे साथ क्या हो रहा है? लगता है जैसे कि मैं मल्टीवर्स में ट्रैवल कर रहा हूँ। दोस्तों मुझे एक सही रास्ता चूज करना होगा और अपनी दुनिया में वापस पहुंचना होगा। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो जा भी सकता हूँ। एक मिनट, ये कौन है? मैं वो हूँ जिसको तू जानना पसंद नहीं करेगा। अरे बाप रे, ये सब क्या चल रहा है? ये तो अर्थ गॉड है, ये तो धरती से बाहर आया है, अब तू मरेगा, ये ले। प्लीज छोड़ दे। कैसा लग रहा है फ्रैंकलिन मरकर? ऑल फादर गॉड का साथ छोड़कर मेरे साथ आ जा, अवेंजर्स को मरना है तो मरने दे, साथ में दुनिया पर राज करेंगे। नहीं मैं लालची नहीं हूँ, मैं अपने दोस्तों को दांव पे नहीं लगा सकता दुनिया पर राज करने के लिए। वैसे भी मुझे दुनिया के साथ रहकर जीना है, ना कि उन पर राज करना है। बहुत हो गया दोस्तों, अब मुझे यहाँ पर अपनी सुपर पावर्स एक्टिवेट करनी होगी। ये ले, वाह, मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पर ऑल फादर गॉड ने मेरे को सूट किसी पर्पस की वजह से दिया है। वो बहुत समझदार है गाइस, देखिए मैंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अर्थ गॉड को दिया। अब बारी गाइस इस लावा गॉड की है। ये क्या फ्रैंकलिन, तू वापस कैसे आ गया? गाइस ये सब देख रहा था वहां पर जो मेरे साथ हुआ, लेकिन अब ये देखने वाला है कि मैं इसके साथ क्या करने वाला हूं। चुपचाप मुझे अपनी एलिमेंटल पावर्स दे दे और ना ये मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। ये क्या, तुझे उस ऑल फादर गॉड ने क्या दे दिया है ना? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वाह गाइस क्या ही सुपर पावर्स है मेरी। गाइस आप मेरी सुपर पावर्स को कितनी रेटिंग देना चाहोगे, 10 out of 10 या 10 out of 100? जल्दी कमेंट में लिखो। बाकी गाइस देखिए ये रहा सुपर एलिमेंटल एग हमारे थ्री हेडेड ऑल फादर गॉड के लिए। मतलब अभी तो ये टू हेडेड है, शायद इसके बाद वो थ्री हेडेड हो जाए, खैर अभी देखेंगे। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, तो इस एलिमेंटल पावर्स को भी ले आया। गाइस अब देखना ये है कि इस एलिमेंटल की पावर के चलते हुए होने क्या वाला है, और क्या यार ये फिर से धोखा ना कर दे। प्लीज ऑल फादर गॉड इस बार कुछ और मत करना, मेरे एवेंजर्स को छोड़ देना, उनकी सुपर पावर्स भी। मैं तो थ्री हेडेड ऑल फादर गॉड बन चुका हूँ। अरे बाप रे गाइस, ये तो सच में थ्री हेडेड बन गया, लेकिन ये सब करेगा क्या? कहीं ये इविल ना बन जाए। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन हमें बचा ले। एक मिनट, अवेंजर्स तो अभी भी नहीं आए, प्लीज यार वापस कर दे। फ्रैंकलिन तूने अपना काम किया और मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अरे वाह, हल्के पास वापस से बर्गर आ गया, हल्का हो गया, उड़ी गया, सब मजा आ गया। क्या बात है फ्रैंकलिन, तूने हमें बचा लिया, हमारे सुपर पावर्स को भी। दोस्तों यहाँ पर अवेंजर्स और साथ साथ में पूरी दुनिया अब सेफ है, क्योंकि गाइस अब ऑल फादर गॉड बन चुका है, थ्री हेडेड अवेंजर्स ऑल फादर गॉड, मतलब अभी अवेंजर्स का रखवाला बन गया है। बाकी गाइस आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।